लाइक एंड सब्सक्राइब करो वीडियो को, ज्ञान ज्यादा मत दो हमारे सामने, वीडियो बनाओ दिखाओ जो हो रहा है उसको देख के मजे लेके हमें जाना है। क्या चल रहा है? ओ आ गया, व्लॉग शुरू किया हुआ है क्या? हाँ। तो गाइस आज के व्लॉग में एक नई सी ही चीज दिखाने वाला हूँ, मैंने एक आविष्कार कर दिया, रुको अभी नहीं दिखाऊंगा अभी इस वीडियो में क्योंकि यही तो दिखाना है। तो गाइस अभी कुछ टाइम पहले मैंने इस चैनल पे एक वीडियो डाली थी जिसमें हम स्पीकर से बिजली निकाल कर देख रहे थे, उसमें हम करके रहे थे, मैंने स्पीकर के पर्दे से मोटर को कनेक्ट किया था और उसको हम वाइब्रेट कर रहे थे, जैसे ही वो वाइब्रेट होता था स्पीकर में जैसे ही हम एक छोटी सी लाइट लगाते थे वो जल जाती थी, हमने स्पीकर से बिजली बनाकर देखा है। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और लास्ट में भी आपको मिल जाएगी वीडियो, पहले इस वीडियो को पूरा देखो। सेम इसी मेथड से आज हम एक माइक बनाने वाले हैं, स्पीकर से माइक बनाने वाले हैं, आप सोच के हैरान हो रहे हो ना, तो आज की वीडियो वही देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा और सब कुछ समझ भी आ जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है, आप भी ट्राई कर सकते हो अपने घर पे। तो इस चीज के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है, 400 लाइक फटाफट से कंप्लीट करो अगर वीडियो में व्यूज आ जाए तो, और सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब कर लोगे तो इसी तरह के छोटे मोटे जो एक्सपेरिमेंट है हम चीजों को ओपन भी करते रहते हैं, डीजे वीजे खोल के ठीक करते रहते हैं, वो सब देखना पसंद है तो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाकर ऑल पे सेट करो, वीडियो को लाइक करो, चलो शुरू करते हैं। और तो देखो गाइस अब हम इस वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन, हम फर्स्ट स्टेप से शुरू करते हैं। देखो हमने क्या देखा था, ये स्पीकर है, इसके पर्दे को हम अंदर बाहर वाइब्रेट कराते हैं तो यहाँ से बिजली निकलती है। तो मैंने क्या सोचा, जब हम बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, जब मैं इसके ऊपर बोलूंगा तो इसका पर्दा वाइब्रेट करेगा क्योंकि मेरे बोलने से एक वाइब्रेशन निकल रही है, तो इस वाइब्रेशन को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हमने यहाँ पे एक पीवीसी पाइप लगा दिया जिससे कि मेरी वाइब्रेशन वेस्ट ना हो, पूरी की पूरी स्पीकर के पर्दे में चली जाए। तो अब मैं बोलूंगा तो क्या होगा, इसका पर्दा जो है कुछ वाइब्रेट करेगा, हमें समझ नहीं आएगा। ठीक, अगर हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दें, जैसे इस स्पीकर को मैं बिजली निकालने के लिए यूज कर रहा हूँ और आउटपुट के लिए हम यहाँ पे किसी लाइट वगैरह को छोड़ के एक स्पीकर को ही लगा दें और मैं यहाँ पे बोलूं, तो जब मैं बोल रहा हूँ ना तो यहाँ से बिजली निकल रही है इस स्पीकर से, ठीक? और वो जा रही है इस स्पीकर तक, और जो बिजली निकल रही है वो मेरे बोलने की फ्रीक्वेंसी से ही निकल रही है, जिस फ्रीक्वेंसी से स्पीकर वाइब्रेट करेगा ठीक उसी फ्रीक्वेंसी का करंट इस स्पीकर तक भी जाएगा जिससे कि इस स्पीकर से मेरी आवाज निकलेगी, बोल तो यहाँ रहा हूँ लेकिन आवाज यहाँ से निकलेगी, हो गया ना ये एक माइक। लेकिन अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, मैं यहाँ पे अगर बोलूंगा ना तो इतना कम वाइब्रेट कर रहा है ये, इतनी कम बिजली निकाल कर दे पा रहा है इसको, ये इतना कम वाइब्रेट करेगा कि शायद आपको कान लगा के सुनना पड़ेगा तब जाके समझ आएगा, और मेरी आवाज इतनी तेज है कि आप समझ ही नहीं आएगा कि इससे आवाज आ भी रहे या नहीं, उसके लिए मेरे पास एक तरीका है। हाँ तो गाइज इससे निकलने वाले करंट वेव जो है वो बहुत कम है, जैसे कि मैंने आपको बताया इसको बढ़ाने के लिए हमें एक एम्पलीफायर बोर्ड का यूज करना पड़ेगा, ये जो है एक एम्पलीफायर बोर्ड है PM84 का, जो लोग मेन चैनल से जुड़े हैं इसको अच्छे से जानते होंगे। ये क्या करता है, जो हमारी हल्की हल्की वेव्स आ रही होती है, जैसे हम हेडफोन वाले जो गाने सुनते हैं हेडफोन लगा के, उसमें बहुत हल्का हल्का करंट आ रहा होता है जिससे सिर्फ हेडफोन के छोटे छोटे स्पीकर चलते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे हेडफोन की तार काट कर इसको लगा देते हैं तो इतना तेज एम्पलीफायर सिग्नल हो जाता है ये बड़े वाले स्पीकर बजने शुरू हो जाते हैं, तो ये 10-20 गुना 100 गुना बढ़ा देता है सिग्नल को, मुझे नहीं पता, तो ये हमारे इससे निकलने वाले सिग्नल को भी बढ़ा सकता है, जब इससे निकलने वाले सिग्नल को 100 गुना कर देगा तो यहाँ से हमें 30 आवाज आनी शुरू हो जाएगी जिसको मैं आपको दिखा पाऊंगा। तो बस पूरा मकसद है कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि ये चीज काम करती है, मैं जल्दी से यहाँ पे कनेक्शन करता हूँ। हाँ तो गाइज हमने यहाँ पे सारे कनेक्शन कर दिए हैं, एक सेल भी लगा दिया है इस बोर्ड को पावर देने के लिए, और अब जो इससे सिग्नल हल्के हल्के निकल रही थी इस आईसी के थ्रू एम्पलीफाई होके इस तक जा रही है, मैंने यहाँ पे कुछ तार के टुकड़े रख दिए हैं जिससे कि मैं बोलता हूँ देखना यहाँ पे वाइब्रेट करेगा। हेलो 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 सब्सक्राइब करो लाइक करो, बोल रहा हूँ ना इतनी जोर से कर दो ना, फिर यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि ये वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है ना, तो आपको समझ आ रहा है ना कि मैं बोल रहा हूँ तो ये वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे मैं इसको छू तो रहा नहीं हूँ, अभी वाइब्रेट करा नहीं करा, मैं बोल रहा हूँ तब जाके वाइब्रेट कर रहा है, इसका मतलब आवाज इससे निकल रही है, लेकिन अभी भी मैं आपको सुना तो पा नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरी आवाज अभी भी इसके मुकाबले काफी ज्यादा तेज आ रही है क्योंकि मैं यहाँ पे जोर जोर से बोल रहा हूँ, अभी भी उतना ज्यादा एम्पलीफाई नहीं हुआ, तो अब क्या करें, कमेंट करो फटाक से कि अब क्या करें। हाँ तो उम्मीद है आपने सोच के कमेंट कर दिया होगा अपना तरीका, देखो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, हमें इसे और एम्पलीफाई कर देना चाहिए जिससे कि और ज्यादा अच्छे से हमें सुनाई दे, तो अब मैं क्या करूंगा एक और बोर्ड लेके आऊंगा और जो इससे सिग्नल निकल रहा है वो तो बहुत ज्यादा एम्पलीफाइड है क्योंकि उससे तो स्पीकर भी वाइब्रेट कर पा रहा है हमारा, ये बहुत ज्यादा एम्पलीफाइड है, लेकिन आपको सुनाना है, कुल मिला के मुद्दा ये है कि आप लोग को सुनाई देना चाहिए, तो इसकी आवाज बहुत बढ़ाने के लिए हम और ज्यादा एम्पलीफाई करेंगे, इससे जो सिग्नल निकल रहा है उसको
इसकी सिग्नल वायर में कनेक्ट करेंगे और उसको हम और 100 गुना एम्पलीफाई होके आ रहा था उसे और 100 गुना एम्पलीफाई करेंगे, जिससे कि वो आपको सुनाई दे। आपके लिए बहुत कुछ कर रहा हूं, तो मेरे लिए एक लाइक जरूर कर देना, जल्दी से कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली हमने सारा काम कर लिया है। देखो एक और एम्पलीफायर बोर्ड कनेक्ट कर दिया जिससे कि ये आवाज तेज हो जाए बहुत ज्यादा, और अब देखना इसका सिग्नल कितना ज्यादा तेज हो चुका है। मैं पे बोलना शुरू करता हूँ, हेलो हेलो हेलो। उम्मीद है आपको मेरे से ज्यादा अब इसकी आवाज आ रही होगी, और यही हम चाहते थे कि आपको मेरे से ज्यादा इसकी आवाज आए। देखो यहाँ पे मैं बोलता हूँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करें वीडियो पे, लाइक एंड सब्सक्राइब करें वीडियो पे। थोड़ा दूर जाके सुनो और अच्छे सुनाई देगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करो वीडियो को। सुन लिया ना, सुनाई दे रहा है? लाइक एंड सब्सक्राइब करने बोल रहा हूँ मैं इसके थ्रू। इतनी मेहनत किया मैंने लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए ताकि तेज आवाज में आपको सुनाई दे सके। अब तो मेरी आवाज सुनाई ना दे दिया वो। लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन आप लोगों की भाई आवाज जो है ना थोड़ी फटी फटी से क्यों आ रही है? देखो देसी जुगाड़ है। अब हाँ एक और चीज देख लो, इसके अंदर कुछ और माइक वाइक नहीं डाल रखा मैंने, स्पीकर ही है सिर्फ, ठीक है। और इसी को हम वाइब्रेट करके आवाज निकाल पा रहे हैं। वैसे बताने के लिए बहुत कुछ होता है कि ये क्या हो रहा है, सिर्फ समझने वाले समझ गए होंगे, लेकिन और ज्यादा डिटेल में बताया जा सकता था, और ज्यादा अच्छे समझाया जा सकता था। लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो समझना चाहते हो, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो कि भाई वीडियो फटाफट बस दिखा दो, ज्ञान नहीं चाहिए हमें, ठीक है। ज्ञान ज्यादा मत दो हमारे सामने, बस वीडियो बनाओ दिखाओ जो हो रहा है उसको देख के मजे लेके हमें जाना है, ठीक है। तो उन लोगों के हिसाब से थोड़ा चलना पड़ता है, क्योंकि समझने वाले लोग हमेशा कम होते हैं, और 4-5 लोग मेरी वीडियो देखिए मैं चाहता नहीं हूँ, तो इसलिए उन लोगों को थोड़ा खुश करना पड़ता है। बाकी आप अगर समझदार हो तो आप समझ गए होगे, उतना तो मैंने समझा दिया था, ठीक है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, पता नहीं कितने मिनट की वीडियो बनी होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, सब्सक्राइब करो लाइक करो, तब से यही बोल रहा हूँ, और चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।